अपन जेएमटी जनवरी मेंस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का, तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है लेकिन एफ डबल डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। थोड़ी सी फील यहाँ पे ज्यादा रिक्वायर्ड है कि डिफरेंशिएशन के जो रिजल्ट्स हैं एफ डैश और एफ डबल डैश, उनके पॉजिटिव या नेगेटिव होने का सेंस क्या बनेगा। तो जैसे मान लो ये फंक्शन कुछ इस तरीके का रहा होगा कि इंक्रीजिंग भी है और अगर कहें कॉनकेविटी तो कॉनकेविटी डाउनवर्ड्स है, मतलब पहले ये ज्यादा इंक्रीज हो रहा होगा बाद में कम इंक्रीज हो रहा होगा, ऐसी ही चीज है ना भाई। अब डबल डैश एक्स नेगेटिव है इसका मतलब मेरा एफ डैश एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। पहले ये ज्यादा एफ डैश की ज्यादा वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ इनिशियली ज्यादा बढ़ रहा है बाद में वैल्यू घट रही है, इसका मतलब आगे ग्राफ बढ़ तो रहा है क्योंकि एफ डैश पॉजिटिव तो था लेकिन बढ़ने का रेट जो है वो कम होता जा रहा है क्योंकि मेरा एफ डैश एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब मैं अगर इस सिचुएशन में समझूं कि मुझे क्या कहा गया है कि ए से बी के बीच में, तो ये ए मान लिया मैंने, ये बी था, ठीक है। इनिशियली ग्राफ ज्यादा बढ़ रहा था आगे जाकर के कम बढ़ रहा है क्योंकि एफ डैश एक्स कैसा था, डिक्रीजिंग। तो अब ए से सी पे आते हैं, सी मान लो बीच का कोई भी पॉइंट लिया मैंने, तो भाई ए से सी में जितना इंक्रीज होने का रेट रहा होगा सी से बी में वो रेट क्या हुआ होगा, डिक्रीज हो गया होगा कंपैरेटिवली। तो अपन बोल सकते हैं ना कि एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए, ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा रही होगी, यहां पे ज्यादा तेज इंक्रीज कर रहा था, आगे बढ़ के एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी इस रेट से इंक्रीज किया तो ये वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब इसी चीज को इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख दिया गया है, एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ सी, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी फील यहां पे स्टार्टिंग एक्सप्रेशन में रिक्वायर्ड थी कि जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ग्राफ पे क्या कमेंट किया जा सकता है। 52 वाले क्वेश्चन में क्या है, सर्कल टचेज वाई एक्सिस एट 0.4 एंड पासिस थ्रू 2.0। तो सर्कल के लिए कहा गया कि 0.4 से टच करता है और 2.0 पे पास करता है, ये पॉइंट है 0.4, ठीक है। अब क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज नॉट अ टेंजेंट टू सर्कल, तो मैं सर्कल की इक्वेशन निकाल लेता हूं यहां से। सबसे आसान चीज कि भाई यहां पे 0.4 था तो यहीं पे कहीं सेंटर रहा होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आया होगा, सपोज h.4 आया होगा, रेडियस कितना हो गया, h हो गया ना फिर, और अपन कह सकते हैं इसका मतलब कि ये डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए, रेडियस h के बराबर। तो अपन बोल सकते हैं कि h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ऐसा बोला जा सकता है भाई, h 4 और 2.0 के बीच की डिस्टेंस रेडियस h के बराबर होनी चाहिए। तो h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 और प्लस 16 इज इक्वल टू कितना है, h स्क्वायर के बराबर है, h स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहां से देख सकते हो कि 4h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 20, h विल बी 5। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस कितना था, h था, दैट मींस 5 स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। अब आगे हमें क्या करना है, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज नॉट अ टेंजेंट टू सर्कल, तो क्या करना होगा, टेंजेंट चेक करने के लिए सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालें, तो 5.4 अपना सेंटर है और वहां से हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे लाइन के ऊपर और वो कितना होना चाहिए, रेडियस के बराबर आना चाहिए, बस यही चीज चेक करनी है अगर वो टेंजेंट है तो। जिस भी ऑप्शन में ये चीज नहीं सेटिस्फाई होती कि भाई 5.4 यही चीज है, 5.4 से हमने अगर ये कोई लाइन टेंजेंट का काम कर रही है तो 5.4 से जब इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जाएगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 के बराबर होनी चाहिए। तो बस हमें यही चीज चेक करनी है कि कौन से ऑप्शन में 5.4 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वो 5 यूनिट्स नहीं आती है। नंबर 53 में हमारे पास एक स्फेरिकल आयरन बॉल बोला गया है जिसकी 10 सेंटीमीटर रेडियस है और ये कोटेड है विद अ लेयर ऑफ आइस। तो इस तरीके का कुछ सिचुएशन है, ये सपोज हमारा आयरन बॉल है और उसके ऊपर आइस की कोटिंग है, ऐसा कुछ ऐसा कहा गया है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि इट मेल्ट्स एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, दैट मींस मैं कहूं कि इसका जो वॉल्यूम है ओवरऑल माइनस dv बाई dt इनफैक्ट विल बी इक्वल टू माइनस 50
ठीक है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, डीवी बाई डी टी कितना है, माइनस 50 है। ध्यान रहे हमें यूनिट्स इस तरीके के क्वेश्चन में फोकस करनी चाहिए कि यूनिट क्या दे रखी है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है डीवी बाई डी टी। अब आगे क्या कहा गया, व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर, तो हमें किसके बारे में कमेंट करना है, थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेस। तो अब देखो इसका मतलब, थिकनेस ऑफ आइस का मतलब क्या हुआ, रेडियस ही डिक्रीज करेगा ना, आइस की थिकनेस जब डिक्रीज करेगी तो रेडियस ही डिक्रीज करेगा, तो हमें डी आर बाई डी टी एक तरीके से निकालना है। तो डी डी टी और 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस 50, ऐसा ही दिया गया था। सो इट इज 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस 50। 3 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे हमारे पास बचा आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी कैन बी रिटन एज माइनस 50 बाई, हमारे पास इधर से 3 कैंसिल हो चुका है, 4 पाई और आ गया। आर की वैल्यू किस समय फाइंड आउट करनी है, जब थिकनेस कितनी है, व्हेन थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर। तो भाई ये 10 तो पहले से था ना, 5 और आगे का था, तो टोटल रेडियस कितना हो गया, वॉल्यूम अगर देखें हम तो टोटल रेडियस कितना हो गया इस समय हमारे पास 15। तो डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू माइनस 50 बाई 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर। तो 50 बाई नीचे कितना हुआ 900, सो इट इज 1/18 पाई। ठीक है, तो 1/18 पाई इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। 54th क्वेश्चन पे जाते हैं हम। 54th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट किस चीज का है, 2^1/4, फिर 4^1/16 को क्या लिख सकते हो, 2^2/16 विच इज 1/8 इंटू 2^, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3/48 विच इज 1/16। नेक्स्ट टर्म को क्या लिख सकता हूं, 2^4/128 मतलब 1/32। तो देख सकते हो क्या पैटर्न बन रहा है, दिस इज इक्वल टू 2^1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, है ना, ये एक इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है ना पावर में। सो इट इज 2^ फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, सो इट इज इक्वल टू 2^2 ऐसा कुछ हो गया। 2^2 का मतलब हो गया कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, √2 विच इज एनी वे ऑप्शन 4। 55 क्वेश्चन में एफ डैश एक्स हमें दे रखा है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब ध्यान दो एफ डैश दिया है और हमें एफ एक्स निकालना है, तो एक तरीके से इंटीग्रेट करना है। अब हालांकि tan इनवर्स sec x प्लस tan x का अगर हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नोन एक्सप्रेशन है, tan इनवर्स sec x प्लस tan x को अपन सिंप्लीफाई भी कर चुके होंगे कभी ना कभी। तो f डैश x इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, tan इनवर्स sec प्लस tan, इसको क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस sin x बाई cos x, ये sec प्लस tan को लिख दिया। अब 1 को मैं क्या लिख दूं, 1 को लिख देता हूं मैं cos square x by 2 plus sin square x by 2, और sin x को लिख देता हूं मैं 2 sin x by 2 cos x by 2। तो ये लिखा हुआ है tan inverse ऊपर sin x by 2 plus cos x by 2 का whole square लिखा हुआ था, और divided by नीचे कितना है, cos square x by 2 minus sin square x by 2, ऐसा ही कुछ है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा हमारे पास, टेन इनवर्स, ठीक है, कितना बच जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, इससे हम ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर तो यही बचेगा, नीचे बच जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब अगर मैं यहां पे कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, तो कितना बनेगा, टेन इनवर्स ये 1 प्लस टेन x by 2 अपॉन नीचे 1 माइनस tan x by 2, ये कितना हो गया, ये बन गया तुम्हारा पाई by 4 प्लस x by 2, ऐसा ही हो गया ना, स्टैंडर्ड इंटरवल है x का। तो tan इनवर्स लिखा गया, tan इनवर्स tan ओवर पाई by 4 प्लस x by 2। एक बार इसका एंगल देख लेते हैं कि क्या tan की रेंज में है ना tan इनवर्स की। तो देखो x क्या दिया हुआ है हमारा, माइनस पाई by 2 से पाई by 2, तो x by 2 कहां से कहां तक जाएगा, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया मिनिमम 0 और मैक्सिमम हो गया पाई बाई 2। तो इसका मतलब हमें ग्राफ ऑफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, tan इनवर्स tan x ये अपने माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच की ही वैल्यूज ले रहा है, इसका मतलब कि यहां से हमें एज इट इज आउटकम बाहर निकल जाएगा। सो इट इज नथिंग बट वी कैन से कि f डैश x क्या है, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, इंटीग्रेट कर लो,
कितना हो गया पाई बाई फोर एक्स प्लस आगे एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। अब आगे क्या कहा गया f0 की वैल्यू जीरो है, दैट मीन c की वैल्यू भी कितनी है जीरो, तो अपन f1 निकाल सकते हैं, f1 कितना हो जाएगा पाई प्लस वन बाई फोर, सो आर ऑप्शन वन विल बी करेक्ट। 56 में हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है और हमें डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट b के बारे में बात करना है, और b खुद क्या है एडजॉइंट ऑफ a है, तो सिंपल सी बात है हमें सिर्फ डिटरमिनेंट से मतलब है, कोई हमें मैट्रिक्स b की जरूरत है नहीं, तो हमें पता है कि भाई डिटरमिनेंट बी अगर निकालने जाएंगे तो डिटरमिनेंट बी कितना होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस वन, यही आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना हो गया इसी 6 का स्क्वायर इनफैक्ट, सो इट इज 36। एडजॉइंट ऑफ बी के डिटरमिनेंट की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी रेज टू पावर एन माइनस वन, सो इट इज 36 स्क्वायर इट इज 1296। ठीक है, अब डिटरमिनेंट सी की बात करते हैं, तो डिटरमिनेंट सी के बारे में हमें क्या पता है डिटरमिनेंट ऑफ सी विल बी इक्वल टू 3 क्यूब। ठीक है, सी खुद 3a के बराबर है, तो जब स्केलर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसकी पावर में एन लग जाता है, जहां एन क्या था ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 3 क्यूब हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, सो इट इज 3 क्यूब इनटू 6 कितना हो गया 162, तो हमें निकालना क्या है 1296 बाय 162, सो आंसर विल बी 8। 57th क्वेश्चन देख ले, 57th क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस थे एक्स आई से रिप्रेजेंट किया गया था, और उनको क्या किया गया 5 रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि हमें जो रिजल्ट दिया गया है समेशन ओवर एक्स आई माइनस 5 ये दिया गया है 10, और समेशन ओवर एक्स आई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई जब मैं शिफ्टिंग करता हूं, शिफ्टिंग करने से वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जर्वेशन को शिफ्ट करने से स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर वेरिएंस इन पे कोई असर नहीं आता है। ठीक है, इतनी बात, तो चाहे मैं एक्स आई का वेरिएंस निकालूं या एक्स आई माइनस 5 का निकालूं या एक्स आई माइनस 3 का निकालूं, सब में तो बात बराबर ही रहेगी, और वेरिएंस हम यहीं से निकाल सकते हैं इसी डेटा की हेल्प से, और ये जो वेरिएंस होगा वो एक्स आई माइनस 3 के लिए भी एप्लीकेबल होगा, कितना आएगा समेशन ओवर एक्स आई माइनस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ओवर एक्स आई माइनस 5, इसका एक तरीके से कह लो एक्स आई माइनस 5 का बार मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं उसका होल स्क्वायर, यही चीज आएगी, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 40/10। ठीक है, माइनस ये समेशन कितना था 10 था, तो मीन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, सो इट इज 3, तो वेरिएंस कितना रहेगा 3 रहेगा। अब देखो दूसरी चीज क्या निकालनी थी हमें, मीन भी कैलकुलेट करना था, तो एक्स आई माइनस 5 मतलब हर डेटा को 5 रिड्यूस किया गया है, तो मीन कितना आया है 1 आया था हमारा, सम कितना था 10 था, और अगर हम हर डेटा को एक तरीके से एक्स आई माइनस 5 में हम क्या कर रहे हैं 2 और ऐड कर रहे हैं तभी हमारा एक्स आई माइनस 3 हो रहा है, तो हर डेटा अगर हम 2 इंक्रीज करेंगे तो मीन भी क्या हो जाएगा 2 से इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब कि करेक्ट मीन एक्स आई माइनस 3 के लिए अगर कहें तो दैट विल बी 3 ओनली, सो आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट। 58 में हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट रूट 5 इज एन इंटीजर और कहा गया है 5 इज इरेशनल, तो पहले वाले स्टेटमेंट को मैंने p बोल दिया, दूसरे वाले स्टेटमेंट को मैंने q बोल दिया, हमें क्या करना है निगेशन ऑफ p और q, यही निकालना है निगेशन ऑफ p और q, इसको हम कैसे लिखते हैं निगेशन ओवर p, ये हमारा यूनियन था एक तरीके से और कह लो उसको अपन एंड लिख देंगे और निगेशन q, यही बन जाएगा। निगेशन ओवर p का मतलब क्या होगा रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, और यहां पे तो और था, और का यहां पे क्या हो चुका है एंड हो चुका है, तो रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर एंड 5 इज नॉट इरेशनल, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर अपन 59 पे जाते हैं, ठीक है, 59th क्वेश्चन में हमारे पास सी कहा गया है सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का जिसके वर्टाइसेस गिवन है, तो अगर हम सेंट्रॉइड निकालते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, तो अगर देखो यहां पे कितना आ जा रहा है सेंट्रॉइड 2,2 आ जा रहा है सेंट्रॉइड। दूसरी चीज क्या कही गई ये हमारा c था, ठीक है, सेंट्रॉइड को c से रिप्रेजेंट करने को बोला गया है,
नेक्स्ट चीज कही गई है पी। पी क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पी पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें दोनों लाइंस को। तो दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपने पास पॉइंट आ जाता है -1/5, 2/5। ये हमारे पास सी और पी पॉइंट्स आ गए। फिर क्या कहा जा रहा है? लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट सी एंड पी। तो लाइन की अगर हमें इक्वेशन लिखनी हो, मतलब सीपी लाइन की इक्वेशन, दैट विल बी वाई माइनस टू बाई फाइव, या फिर वाई माइनस टू कह लो, ठीक है, वाई माइनस टू इज इक्वल टू 2/5 - 2, मतलब कितना हो गया -8/5 डिवाइडेड बाई -1/5 - 2, सो -11/5 इनटू, इधर क्या आ जाएगा x-2 आ जाएगा। तो ये हो गया y-2 इज इक्वल टू 8/11 x-2। अपन देखें कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन देख सकते हैं माइनस नाइन, जो पहला ऑप्शन है -9, -6, यहां देखो -6 रखोगे तो -8 हो गया, यहां पे -9 रखोगे तो -11 हो गया। तो इसका मतलब इट पासेस थ्रू -9, -6, सो आवर ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। 60th क्वेश्चन पे जाते हैं। अब 60 क्वेश्चन में क्या है, E1 और E2 ये दोनों इसेंट्रिसिटीज दे रखी हैं एलिप्स की, और एलिप्स की और हाइपरबोला की, और कहा गया है कि ये E1, E2 जो पॉइंट है वो एलिप्स पे लाई करता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें एलिप्स की अगर मैं इसेंट्रिसिटी निकालता हूं तो E1 से अंडर रूट, स्टैंडर्ड एलिप्स है, 1 - b² / a² कितना हो जाएगा 4/18, ठीक है। तो ये कितना हो गया अंडर रूट 14/18, सो इट इज अंडर रूट 7/9। सिमिलरली E2 की बात करें तो E2 क्या है, E2 में हमारे पास हाइपरबोला है, अंडर रूट 1 + b² / a², तो 4/9, सो इट इज अंडर रूट 13/9। तो ये E1 और E2 आ गए। अब हमसे कहा गया कि ये कहां पे लाई करते हैं, 15x² + 3y² = k पे। तो दैट मींस हमें क्या करना है, 15 E1² + 3 E2², यही कैलकुलेट करना है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, 15 × 7/9 कितना हो जाएगा 105/9 + 3 × 13/9, मतलब 39/9 इज इक्वल टू के। तो यहां से देख सकते हैं k की वैल्यू कितनी आ रही है, 16, सो आवर ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। हमारे पास नंबर ऑफ 5-डिजिट नंबर्स ये काउंट करने हैं, डिस्टिंक्ट डिजिट्स होने चाहिए और टेंस प्लेस पे हमें 2 ही रखना है। तो अपन देखें यहां पे 5-डिजिट का नंबर बनाना था, ठीक है, और यहां पे उसने कह दिया कि यहां पे तो तुम्हें 2 ही फिक्स रखना ही है। तो अपन देख सकते हैं कि 2 को मैं फिर से तो यूज कर नहीं सकता, इसका मतलब कि यहां पे मेरे पास रखने के लिए क्या है, यहां पे मैं 0 भी नहीं रख सकता, 2 भी नहीं रख सकता, मतलब इस प्लेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके होंगे, 8। अब अगली बार 0 भी अवेलेबल हो गया, मतलब यहां पे भी कितने होंगे, 8। फिर इसके बाद कितने बचेंगे, 7, और उसके बाद यहां पे कितने आएंगे, 6। तो 8 × 8 × 7 × 6, तो अब देख सकते हो कितना आ रहा है, 8 × 7 = 56, 56 × 6 = 336। तो 336 × 8, दैट मींस कि k की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 8। तो 61 में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 62 पे आते हैं। 62 में हमें क्या कहा गया, इन अ बॉक्स देयर आर 20 कार्ड्स आउट ऑफ व्हिच 10 आर लेबल्ड एज ए एंड रिमेनिंग 10 आर लेबल्ड एज बी। कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, वन आफ्टर अदर एंड विद रिप्लेसमेंट टिल अ सेकंड ए कार्ड इज ऑब्टेन्ड। द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड ए कार्ड अपीयर्स बिफोर थर्ड बी। तो सेकंड ए तब आना चाहिए जब तक कि थर्ड बी नहीं आ पाया है। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, केसेस अपन काउंट कर लें, या तो दोनों ए एक साथ आ गए, ठीक है, कोई भी बी नहीं आया, और क्या हो सकता है कि हम कह लें कि ए बी ए ऐसा कुछ, ठीक है, और क्या केसेस बन सकते हैं अपने पास, मान लो कि बी एक आ गया, ए ए ऐसा बन गया। फिर आगे बढ़े, चूंकि हमें और चूंकि हम दो एक थर्ड बी कार्ड नहीं निकालना है तो और सारे केसेस भी बन जाएंगे अपने पास। जैसे मान लो कि ए बी बी ए ये भी बन जाएगा, और क्या बन सकता है, बी ए ए बी, या फिर बी ए ए अगर कहें, ये तो वही सेम केस हो गया अपने पास, बी बी ए ए ये केस बन सकता है, और उसके अलावा बी ए बी ए ये भी एक केस बन सकता है, ठीक है। तो अब मैं अगर मान लो पहले दो ड्रॉ मैंने लिए और उसमें यही दोनों निकल आए, ठीक है, तो मेरे पास मैंने क्या अरेंज करना है कि भाई 1/2 × 1/2,
ए, पहला ए आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे ए आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो कितना हो गया 1/4 हो गया। बाकी आगे कुछ भी होता रहे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ हम ए और बी के बारे में ही देख रहे हैं ना, तो 1/2 और 1/2, उसके आगे क्या होता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे देखो, यहां पे मैंने कहा कि पहले पे 1/2, दूसरे पे 1/2, तीसरे पे 1/2, कितना हो जाएगा 1/8। सिमिलरली यहां पे भी कितना 1/8, यहां पे कितना हो जाएगा इस बार 1/16, यहां पे 1/16 और यहां पे भी कितना 1/16, तो 3/16, ठीक है, 3/16 प्लस 4 7/16 और 7/16 प्लस 4 मतलब 11/16, इन टोटल का सम कितना हो गया 11/16, सो आवर करेक्ट आंसर फॉर 62 विल बी 3rd। नेक्स्ट 63rd, इस क्वेश्चन में देखें, अब हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक तरीके से कह लो कि कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी पड़ रही है, e raised to power 4x, 3x, 2x, x और 1 है। तो सबसे पहली चीज अपन क्या ट्राई करेंगे, e raise to power 2x से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो सिमेट्रिक टाइप का बन जाएगा, e raise to power 2x plus e raise to power x minus 4 plus e raise to power minus x plus e raise to power minus 2x is equal to हमारे पास यहां पे 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, देखो देख सकते हैं यहां से e की पावर 2x और e की पावर minus 2x ये चीज लिखी गई है, फिर e की पावर x और 1 अपॉन e की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें ये क्वांटिटी हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और ये भी कैसी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब कि ये चीज 0 तभी पॉसिबल है जब ये दोनों अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन करें, मतलब ये भी चीज 2 के बराबर हो जाए और ये भी चीज 2 के बराबर हो जाए। That means कि e की पावर 2x plus 1 upon e raised to power 2x is equal to 2 and same 2 should be there for e raised to power x plus 1 upon e raised to power x। इसका मतलब कि इसके लिए देख सकते हो कि ये सोल्यूशन क्या आएगा, x equal to 0। तो अपन कहें 63rd क्वेश्चन में, तो यहां पे हमारे पास सिंगल सोल्यूशन है और अपन बोल सकते हैं कि आंसर कितना होगा 1। क्वेश्चन में हमारे पास तीन प्लेन्स दिए गए हैं और कहा गया है कि ये एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं। लाइन में इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये एक फैमिली ऑफ प्लेन है, या फिर ऐसे कहें कि डिटरमिनेंट के टर्म में, तो अपन कहें कि इसका कितना सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, इनफाइनाइट सोल्यूशंस एग्जिस्ट करने चाहिए। तो अब इनफाइनाइट सोल्यूशंस एग्जिस्ट कराने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है कि भाई डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग ये चारों ही क्या होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं डेल्टा निकालने जाता हूं तो डेल्टा मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू 1/4 माइनस 2 1/7 माइनस 5 1/5 अल्फा, ठीक है, ये वाली टर्म हमारे पास कितनी हो जानी चाहिए, 0 के बराबर, ठीक है। तो अब यहां से अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई, अल्फा की वैल्यू माइनस 3, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू माइनस 3 आने के बाद अब हमें एक तरीके से सारे प्लेन्स की मतलब अगर हम कहें एक्स वाई जेड के कोफिशियंट वो सारे पता हो गए। अब बाकी बचा है मेरा बीटा निकालना, बीटा निकालने के लिए भी मुझे रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई डेल्टा एक्स जब मैं यूज करूंगा तो हाँ बीटा को तो लिखना पड़ेगा ना, तो डेल्टा एक्स में मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स में मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले 1/5, तो यहां पे मैंने लिख दिया 1/5, ठीक है, और बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं आने वाला है, यही चीजें रहेंगी 4/7/5 माइनस 2 माइनस 5 अल्फा, ये वैल्यू भी 0 के बराबर होनी चाहिए। यहां से बीटा कितना आ जा रहा है, बीटा इज इक्वल टू 13, सो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 10, सो आवर आंसर 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास fx फंक्शन दिया हुआ है और उसको कंटिन्यूअस बनाना है, तो कंटिन्यूअस बनाना है मतलब RHL LHL और फंक्शनल वैल्यूज तीनों को बराबर करना पड़ेगा। LHL अगर मैं निकालूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin a plus 2x plus sin x upon x, इसके बारे में बात की गई है, तो देख सकते हो दिस थिंग बाई एक्स मतलब कितना आएगा a प्लस 2, यहां से कितना आएगा 1, सो इट विल बी a प्लस 3 विच इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू दैट इज b। RHL की बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हमारे पास क्या दिया हुआ है x प्लस 3x स्क्वायर रेज टू पावर 1/3 माइनस x रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 4/3। अब देख सकते हो यहां से x की पावर 1/3 कॉमन निकल जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x रेज टू पावर 1/3 कॉमन निकाला, यहां बचा हुआ है 1 प्लस 3x रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 4/3 विच इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस 3x रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x।
तो देखो 1 1 कैंसिल, एक्सपेंशन कर रहा हूं, यहां से बचेगा क्या x, x बाई x विच इज इक्वल टू 1. सो a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 1. सो आर आंसर शुड बी 0 विच इज देयर इन ऑप्शन 3. 66th नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पे हमारे पास दो लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, एक लीनियर की पावर समथिंग, दूसरे लीनियर की पावर समथिंग. इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन क्या करते थे, टाइप वाले क्वेश्चंस जो होते थे डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, इस तरीके के हमने टाइप लिख रखा था. तो सेम वही चीज कि L1 बाई L2 पहला लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन, इसको T मानना है, ठीक है, और बाकी चीज को हम DT में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे. तो यहां पे पहले तो L1 बाई L2 मान लो मैनिपुलेट करना रहेगा, तो कैसे करेंगे, dx एज इट इज लिखा, बाकी हमें L1 बाई L2 बनाना था, मतलब x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 बनाना था, ठीक है. तो x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 की पावर में क्या लिख दूं मैं, 8/7. तो इफेक्टिवली मैंने क्या किया, x माइनस 3 की पावर 8/7 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर. अब मैं कहता हूं इस L1 बाई L2 को अगला स्टेप था कि इसको t मान लेते हैं. सो x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू t. डिफरेंशिएट कर लो, इट कम्स आउट एज माइनस 7 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt. तो dx अपॉन x माइनस 3 के होल स्क्वायर को मैंने क्या बोल दिया, माइनस dt, ठीक है, माइनस dt अपॉन 7 डिवाइडेड बाई ये क्या था, t की पावर 8/7. कितना हो गया ये माइनस 1, टी की पावर माइनस 8/7 का इंटीग्रेशन ये कुछ ऐसा हो जाएगा प्लस सी. तो माइनस कैंसिल, 7 × 1/7 1 हो गया, टी की पावर में माइनस 1/7, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 की पावर में 1/7 प्लस सी. सो आर ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट. 67 सिंपल क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, क्या करना होगा. अब देखो पाई बाई 8 है, 3π/8 है, दो एंगल्स यूज किए गए हैं, दोनों का सम कितना होता है, पाई बाई 2 होता है. तो अपन क्या करें, इस 3π/8 को भी मैं लिख लेता हूं साइन, मतलब कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, मतलब इसको कॉस क्यूब पाई बाई 8 और इसको मैं लिख सकता हूं ना साइन पाई बाई 8, ठीक है, प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8. तो देख सकते हो यहां से साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए. बाकी बचा अपने पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 1. अब 1 हो गया तो इसको क्या लिखते, ये देख सकते हो साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8, ये क्या बनाएगा यहां पे 1/2 इंटू साइन पाई बाई 4 लिखा जा सकता है और इंटू 1. सो इट इज 1/2 रूट 2 फॉर 67, आवर ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. 68th क्वेश्चन में, 68 में देखो 0 से 2 पाई क्या इंटीग्रेट करना है, 0 से 2 पाई x साइन रेज टू पावर 8 अपॉन साइन रेज टू पावर 8 प्लस कॉस रेज टू पावर 8x dx, यही दिया गया है. अब देखो यहां पे हमें क्या यूज करना चाहिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये x है, प्रॉपर्टी यूज कर ले, फिफ्थ प्रॉपर्टी 2a माइनस x वाली. तो मैं कह सकता हूं क्या कि दिस थिंग कैन बी रिटन एज 0 से पाई, ठीक है, 2a माइनस x वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, x साइन रेज टू पावर 8, ठीक है, अपॉन साइन रेज टू पावर 8 प्लस कॉस रेज टू पावर 8 प्लस, अब 2a माइनस x वाला टर्म लिखेंगे तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 2π माइनस x साइन रेज टू पावर 8 अपॉन यहां पे साइन रेज टू पावर 8 प्लस कॉस रेज टू पावर 8. कितना हो गया ये हो गया ओवरऑल अपने पास 2π साइन रेज टू पावर 8 अपॉन साइन रेज टू पावर 8 प्लस कॉस रेज टू पावर 8. कहां से कहां तक, 0 से पाई तक. इस 2π को मैं बाहर ही निकाल लेता हूं, ठीक है, कांस्टेंट था, 2π को मैंने बाहर निकाल लिया. अब मेरा क्वेश्चन इतना बचा. अब फिर से देखो, अब यहां पे अगर मैं फिर से सेम वही चीज 2a माइनस x वाली प्रॉपर्टी यूज कर लूं तो क्या बन जाएगा, मेरे पास देख सकते हो कि f ऑफ x जो लिखा हुआ है और f ऑफ पाई माइनस x जो लिखा हुआ है वो दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर ही है ना. तो f ऑफ x और f ऑफ पाई माइनस x ये दोनों आपस में बराबर हो गए. तो अपन यहां से कह सकते हैं कि 2π और 0 से पाई बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2π की जगह 4π हो जाएगा. फिर से वही प्रॉपर्टी 5 का यूज,
4 पाई हो जाएगा, यहां पे हमारा बचेगा साइन की पावर 8 अपॉन साइन रेस टू पावर 8 प्लस कॉस रेस टू पावर 8, ये चीज बन गई। अब इसको फर्दर लिखा हमने 4 पाई, अब देखो अगर मैं अब 2a माइनस x लगाऊं तो क्या होगा, ये बच जाएगा 0 से पाई बाई 4 साइन की पावर 8 अपॉन साइन 8 प्लस कॉस 8 प्लस, और आगे क्या होगा, x की जगह पे क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस x रखना है, तो कॉस की पावर 8 साइन की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 8, तो ये कितना हो गया 4 पाई इंटू, यहां से कितना आया ये 1 हो गया, इंटीग्रेशन पाई बाई 4 तो पाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो जाना चाहिए यहां पे पाई स्क्वायर। तो क्या करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बार बार हमने यहां पे 2a माइनस x की वाली प्रॉपर्टी को यूज किया है इस स्टेप में एक बार, तो 2 पाई की जगह पाई आ गया, फिर उसके बाद इस स्टेप में गया और नेक्स्ट स्टेप में पाई बाई 4 आ गया। क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, अब इसमें तो बहुत आसानी से देख सकते हो ज्योमेट्रिकली यूज किया गया है, मॉड z इज इक्वल टू 5 बाई 2, मतलब एक सर्कल की बात की गई है, और दूसरा इस सर्कल को मैं एक बार प्लॉट कर लेता हूं कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग, इसका रेडियस क्या है 5 बाई 2 और सेंटर क्या है 0,0, तो हमारा जो एक तरीके से क्या है सर्कल की इक्वेशन वो होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 4। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 2 आयोटा, ये इस तरीके का इक्वेशन कहां आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। देखो क्या कहा जा रहा है, एक पॉइंट होगा 0,1, एक पॉइंट होगा 0,-2, तो 0,1 सपोज ये था और 0,-2 सपोज ये था, हमें एक ऐसा z चाहिए जो दोनों से इक्विडिस्टेंट हो, z और 0,1 के बीच की डिस्टेंस और z और 0,-2 के बीच की डिस्टेंस बराबर हो, मतलब इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो 0,1 और 0,-2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस हाफ, यही आएगा, तो इन दोनों का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 25 बाई 4, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, एक तरीके से x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, x कैन बी प्लस माइनस रूट 6। अब हमें करना क्या था क्वेश्चन में, हमें z प्लस 3 आयोटा की वैल्यू बतानी है, तो z हमारा क्या आया, z हमारा आया या तो प्लस माइनस कह लो रूट 6 और माइनस हाफ आयोटा, ये आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, z प्लस 3 आयोटा कर रहा हूं, सो इट विल बी प्लस माइनस रूट 6 और प्लस 5 बाई 2 आयोटा, तो अब इसका मॉड कितना हो जाएगा, तो मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 25 बाई 4 विच इज 49 बाई 4 का अंडर रूट इज दिस 7 बाई 2, तो अपना ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, 70 क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस ऑप्शंस की वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो थोड़ा ऑप्शन चेकिंग तुम्हें करनी पड़ेगी एट लास्ट। fx हमें दिया गया है a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, 0 से 1 fx dx कैन बी रिटन एज ax प्लस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, 1 रखा तो कितना आया a प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 3 और 0 रखा तो कितना हो गया 0। अब आंसर क्या ले आना है हमें, a प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 3, ऑप्शंस को चेक कर लो, हमारे लिए जो इसका थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो करेक्ट आता है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में अगर मैं कहूं क्या क्या लिखा हुआ है, 1 बाई 6 अलग, f0 अपना कितना है, f0 a के बराबर है, f1 की बात करें, f1 कितना है a प्लस b प्लस c, और 4 इंटू f ऑफ हाफ, तो f ऑफ हाफ में क्या आएगा a और b बाई 2 प्लस c बाई 4, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये वैल्यू जो है तुम्हारे पास a प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 3 आ जाती है और ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। हमें लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन निकालना है किसी दूसरी लाइन के अलावा, तो जो लाइन सेगमेंट है उसको तो सबसे पहले लिख लेते हैं जिसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है, तो कितना है, सपोज उसको a वेक्टर में बोल देता हूं, a वेक्टर कैन बी रिटन एज भाई 1 माइनस 1 3 और 2 माइनस 4 11, इसको ज्वाइन करने वाले वेक्टर के बारे में ही बात की गई है, सो इट इज एनीवे 1 माइनस 3 8, दैट इज आई माइनस 3j प्लस 8k, ये हमारा वेक्टर है जिसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है, किसके अलोंग निकालना है, तो वो b वेक्टर में बोल देता हूं, b वेक्टर कितना है, b वेक्टर है अपना माइनस 1 2 3 और 3 माइनस 2 और 10 को ज्वाइन करने से बन रहा है, सो इट इज 4
माइनस फोर एंड सेवन, फोर आई माइनस फोर जे प्लस सेवन के। तो प्रोजेक्शन क्या निकलता है, प्रोजेक्शन निकलता है ए वेक्टर इनटू जिस डायरेक्शन में निकालना हो उसका कैप। तो यहां पे आ गया अपने पास वन माइनस थ्री एट, ठीक है, बी कैप लिखोगे सो इट इज फोर माइनस फोर सेवन, और इसका अंडर मतलब मॉड भी लिखना पड़ेगा नीचे, बी कैप लिख रहे हैं चूंकि। तो ये फोर मतलब 16 प्लस 49 इट इज अंडर रूट 81, अंडर रूट 81 की जगह मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं 9, यही चाहिए हमें। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 और प्लस 60 और प्लस 12 72 बाई 9 विच इज 8, सो आवर आंसर फॉर 71 विल बी 8। 72 इस क्वेश्चन के बारे में देखें, अब यहां पे क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सॉल्व करना है, हमें यह भी दिया हुआ है कि y2 की वैल्यू कितनी है 0। तो खैर पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, dy by dx क्या लिखा है, तो dy by dx कैन बी रिटन एज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, ऐसा है। तो अब इसको अपन देखें कि ये क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड कर देता हूं dy by dx माइनस y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, यही चीज है ना, यही इक्वेशन दी गई है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx, यहां पे सम फंक्शन ऑफ x इंटू y, और इधर क्या है पूरा एक फंक्शन लिखा हुआ है x का। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखें, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेस टू पावर, ठीक है, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ओवर पी डी एक्स, मतलब माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, यही होगा। सो इट इज ई रेस टू पावर माइनस एल एन एक्स प्लस वन, ऐसा कुछ कितना हो गया ये वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ अपन आंसर लिखने जाएंगे, क्या आंसर होता है, वाई इंटू आई एफ, आई एफ कितना है वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्यू, क्यू ये है एक्स प्लस वन माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन और इंटू आई एफ, आई एफ कितना है वन अपॉन एक्स प्लस वन, सो इट इज एक्स प्लस वन कैंसिल, इंटीग्रेट मतलब एक स्टेप बात करते हैं, वन माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, सो इट इज एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, x प्लस थ्री एक्स थ्री बाई एक्स प्लस वन और प्लस c, और यहां पे क्या था y अपॉन x प्लस वन था। अब इसके बाद अपन x इक्वल टू टू पे बोला गया है कि y की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है, तो ये जीरो हो गया, ठीक है, ये कितना हुआ टू और यहां पे वन, तो थ्री, और c की वैल्यू कितनी हो गई, इसका मतलब c इक्वल टू माइनस थ्री। यहां से अब हम आगे मतलब हमारा पास इक्वेशन आ गया कि y इज इक्वल टू इनफैक्ट कितना हो गया x इंटू एक्स प्लस वन प्लस थ्री माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, यही है, ठीक है, हमारा y। अब हमें निकालना क्या था y एट थ्री, तो x की वैल्यू थ्री रख दो, अपने पास आंसर आ जाता है थ्री। क्वेश्चन नंबर 73 में हमारे पास log ऑफ हाफ, log ऑफ साइन x बेस हाफ और इधर log ऑफ cos x बेस हाफ, मॉड साइन के साथ है साइन और कॉस, तो अपन सबको एक साइड ले आते हैं लॉग की टर्म्स को, क्या बन जाएगा लॉग, यहां पे वन बाई टू है, साइन एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है टू, दैट मीन्स कि मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विल बी इक्वल टू वन बाई टू स्क्वायर विच इज वन बाई फोर, दैट मीन्स कि साइन टू एक्स को मैं बोल सकता हूं क्या कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी हाफ, साइन टू एक्स का मॉड हाफ के बराबर होना चाहिए। तो हमें एनीवे क्या कहा गया, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो ग्राफ से अपन सॉल्व कर लें, साइन टू एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, साइन टू एक्स के ग्राफ में हमें स्केलिंग चेंज करनी होगी, ये जीरो था, यहां पे क्या आएगा पाई बाई फोर आएगा, दैट मीन्स यहां पे क्या आएगा पाई बाई टू आएगा, कहां से कहां तक जाना था हमें, जीरो से लेकर के टू पाई तक, तो मॉड चुकी है तो फिर से ऊपर ही रहेगा पाई बाई टू से पाई, ठीक है, और फिर से यही चीज रिपीट हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी बना लेता हूं एक बार को, ये पाई से थ्री पाई बाई टू और यहां पे टू पाई, ये हमारे पास एक्स की रेंज हो जाएगी। अब मॉड साइन टू एक्स इज इक्वल टू हाफ, मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, अब हमारे पास इसी इंटरवल के लिए चाहिए था, क्या क्या सोल्यूशन मिल जाएगा, एक दो तीन चार पांच छह और सात आठ, तो टोटल अपने पास कितने सोल्यूशन आ जाएंगे एट। 74th क्वेश्चन,
74th क्वेश्चन में क्या है, अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा कंपैरेटिवली, यहां पे क्या क्या गया, तीन वेक्टर्स हैं जो कि कोप्लेनर है, तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या होती है, बॉक्स प्रोडक्ट जीरो कर दो, तो कोप्लेनर है इसलिए अपन ने बॉक्स प्रोडक्ट जीरो कर दिया, ए प्लस वन ए ए, नेक्स्ट क्या है ए ए प्लस वन ए, आगे क्या है ए ए ए प्लस वन, ये है, और इसकी वैल्यू कितनी चाहिए, जीरो के बराबर, तो डिटरमिनेंट ओपन कर लो थोड़ा सिंप्लीफाई करके, यहां से सॉल्व करने पे अपने पास ए की वैल्यू आ जाती है माइनस वन बाई थ्री, ये ए की वैल्यू आती है, ठीक है, तो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, तो अब अगर ए आ गया तो इसका मतलब हमें पी क्यू आर तीनों ही वेक्टर्स पता चल गए, ठीक है, अब पी क्यू आर पता चलने के बाद अपन देखें कि पी डॉट क्यू क्या है, पी डॉट क्यू, पी डॉट क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए प्लस वन, ठीक है, प्लस ए इंटू ए प्लस वन प्लस ए स्क्वायर, ऐसा ही है, तो इसको लिख दो ए स्क्वायर प्लस टू ए ए प्लस वन, सो टू ए स्क्वायर प्लस ए, इट इज थ्री ए स्क्वायर प्लस टू ए, ए की जगह पे माइनस वन बाई थ्री रख देता हूं मैं, तो थ्री इंटू वन बाई नाइन माइनस कितना हो गया टू बाई थ्री, सो इट इज माइनस वन बाई थ्री, तो P डॉट Q की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन बाई थ्री आ रही है, P क्रॉस Q है, अब P क्रॉस Q निकालने के लिए P क्रॉस Q सॉरी R क्रॉस Q का मॉड चाहिए हमें, ठीक है, तो R क्रॉस Q के लिए भी अपन चाहे तो बॉक्स प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, R क्रॉस Q के लिए अपने पास R वेक्टर क्या दिया हुआ है, R वेक्टर है हमारा ए ए ए प्लस वन, तो ए दैट इज माइनस वन बाई थ्री, ए माइनस वन बाई थ्री ए प्लस वन विच इज टू बाई थ्री, और Q के लिए देखें तो यहां पे माइनस वन बाई थ्री ए प्लस वन दैट मीन्स टू बाई थ्री, और ये कितना हो गया माइनस वन बाई थ्री, ठीक है, और आई जे के इनफैक्ट ऊपर रहेगा, तो R क्रॉस Q के लिए मैं यहां पे आई जे के, ठीक है, ऐसा लिख लेता हूं, ये R क्रॉस Q आ गया, R क्रॉस Q वेक्टर अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आ जाता है वन बाई थ्री आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, हमें इसके मॉड से मतलब था, तो मॉड ऑफ आर क्रॉस क्यू कितना हो गया वन बाई थ्री, तो एज इट इज इसका कितना है रूट थ्री है, सो इट इज वन बाई रूट थ्री, ठीक है, तो पी डॉट क्यू आ गया और ये आर क्रॉस क्यू का भी मॉड आ गया, अब हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं पी डॉट क्यू कितना था माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस लेमडा आर क्रॉस क्यू मतलब वन बाई थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए जीरो, तो ये कितना लिखा हुआ है वन बाई थ्री माइनस लेमडा इंटू वन बाई थ्री, सो लेमडा विल बी इक्वल टू वन, आवर आंसर विल बी वन फॉर दिस क्वेश्चन 75। अब यहां पे हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इनफैक्ट बाइनोमियल नहीं कहो मल्टीनोमियल कहो, क्योंकि तीन टर्म्स दिए गए हैं और यहां पे हमें एक्स रेज टू पावर फोर का कोफिशियंट फाइंड आउट करना है, तो एक्स रेज टू पावर फोर का कोफिशियंट फाइंड आउट करने के लिए अपन सिंपल मल्टीनोमियल तो यहां पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टर्म्स कैसे हैं, x दो बार है मतलब वो आपस में क्लब भी होगा, वन प्लस एक्स प्लस वाई होता तब इतना हमें इश्यू नहीं था, तब हम डायरेक्ट मल्टीनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहां पे सिमिलर टर्म्स हैं x और एक्स स्क्वायर, इनकी पावर्स आपस में क्लब भी होंगी, तो देखो क्या करेंगे, मान लिया मैंने जैसे अपन क्या बोलते हैं कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए बोल दूं बी बोल दूं इसको सी बोल दूं, तो जो कोफिशियंट होता है वो क्या होता है, कोफिशियंट आता है अगर मान लो मुझे a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, इसका कोफिशिएंट निकालना है तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके पावर्स एज इट इज रिप्रेजेंट हो जाती हैं, a की पावर p, b रेज टू पावर q, c रेज टू पावर r, ऐसा होता है। अब यहां पे मेरे जैसे a b c अगर मैंने बोला तो a b c डिसिमिलर थे, b की पावर और c की पावर क्लब नहीं हो पा रही थी, लेकिन यहां पे तो पावर्स क्लब होंगी ना x और x स्क्वायर की, ठीक है, तो अपन इसके लिए समझे, मान लिया मैंने कि मैं वन की पावर में अल्फा मानता हूं, ठीक है, दूसरे में एक्स की पावर में सपोज बीटा मानता हूं, और एक्स स्क्वायर की पावर में मैं गामा मान लेता हूं, तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट यह है कि बीटा प्लस टू गामा मेरा कितना होना चाहिए फोर के बराबर। अब बीटा प्लस टू गामा को फोर करने के कितने तरीके हैं बस ये सोचना है, तो अगर मैंने बीटा को सपोज फोर रखा तो गामा कितना जीरो, बीटा को अगर मैंने टू रखा तो गामा कितना वन, बीटा को जीरो रखा तो गामा कितना टू, यही प्रोसेस होगा, ठीक है, बीटा गामा के लिए यही पॉसिबिलिटी है। अब बीटा गामा जैसे ही आ गया अल्फा डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये तो पता ही, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए
10 के बराबर होना चाहिए। तो 4 यहां, 0 यहां, तो यहां कितना 6, 2, 1 तो यहां पे कितना 7, 0, 2 तो यहां पे कितना 8, ये हमारे पास टर्म आ गई। अब देखो कोफिशियंट्स क्या क्या होंगे, तो कोफिशियंट पहले वाले केस में देखें 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, ठीक है। बाकी तो भाई कुछ एक्स्ट्रा चीज तो आने वाली नहीं है, क्योंकि इनके पावर्स करोगे तो कोफिशियंट भी कितना निकलने वाला है, 1 निकलने वाला है। यहां 2x होता तो फिर आ जाता 2 की पावर बीटा, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, x के साथ 1 प्रेजेंट है, x स्क्वायर के साथ भी कोफिशियंट में 1 ही प्रेजेंट है। फिर यहां पे देखें 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। फिर थर्ड केस में देखें 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इन सब का सम हमें x रेज़ टू पावर 4 का कोफिशियंट दे देगा, और इसलिए अपना आंसर क्या हो जाना चाहिए, इन तीनों का सम विच कम्स आउट एज 6 वर 5।